हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हम लोग अगली वीडियो में उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम इस वीडियो में उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार के बारे में मैंने सब डिटेल में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उपमा अलंकार के बारे में हम लोग देखते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना या समानता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये समझना कि उपमा मतलब होता क्या है। तो देखिए, उपमा का जो अर्थ होता है वो होता है तुलना या समानता। ठीक है, किसी से तुलना करना या समानता करना। ओके, जहां उपमेय, अब इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय, ठीक है, समझते हैं कि क्या होता है उपमा अलंकार। जहां उपमेय, उपमेय का मतलब क्या होता है, जो प्रस्तुत है। ठीक है, जहां उपमेय की उपमान यानी जो अप्रस्तुत है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, जहाँ उपमेय जो प्रस्तुत है कि उपमान, उपमान मतलब क्या होता है, जो अप्रस्तुत है। ठीक है, अप्रस्तुत है, प्रस्तुत नहीं है वो, तो उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर इसी का अर्थ देखें तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तुत है उस चीज से, जो प्रस्तुत नहीं है उस चीज की, यानी जो अप्रस्तुत है उससे तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार है। देखिए, उदाहरण देखेंगे ना, समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। अब मैं आपको इसका स्पष्टीकरण करके समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पीपल के पत्ते, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला। जो पीपर के पत्ते हैं उसका क्या है, मन के डोलने से उसकी तुलना की गई है। ठीक है, अब पीपल का पात जो है, पीपल के पत्ते, वो क्या है, वो प्रस्तुत है। पीपल के पत्ते तो प्रस्तुत ही होंगे, लेकिन मन का जो डोलना है वो तो प्रस्तुत नहीं है ना, वो तो अप्रस्तुत है। ठीक है, अप्रस्तुत है, ठीक है, वहां प्रस्तुत नहीं है। तो जो पीपल का पत्ता है वो प्रस्तुत है और मन का डोलना जो अप्रस्तुत है उससे तुलना की गई है। पीपल के पत्ते की मन के डोलने से तुलना की गई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।